नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। ये 10 क्वेश्चन हैं, इसमें ऑप्शनल आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये अपना स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों चार ऑप्शन है आपके पास में, टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन और क्रिकेट। इसका सही आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो यूकी भाभरी का जो संबंध है वो टेनिस खेल से है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, खेलकूद और विज्ञान। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है खेलकूद। अर्जुन पुरस्कार जो है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फुटबॉल। डीसीएम ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? इसके चार ऑप्शन है आपके सामने, 1989, 1899, 1961 और 1997। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथे नंबर का आंसर क्या है। अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा यह शब्द किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आपके सामने फिर से, स्पर्श रेखा जो यह शब्द है किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है तैराकी, दूसरा ऑप्शन है कबड्डी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है मुक्केबाजी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। स्पर्श रेखा जो शब्द है वह कबड्डी से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह भी एक शब्द है, 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित शब्द है? ऑप्शन आपके सामने, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, बिलियर्ड्स या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं 6 नंबर का जो आंसर क्या है। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बास्केटबॉल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? या दोस्तों कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल या बिलियर्ड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 7वें नंबर का यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका बी, आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य से हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, मणिपुर, असम या कर्नाटक। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, मणिपुर से पोलो खेल का प्रचलन भारत में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कार्फबॉल और हैंडबॉल। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कार्फ बॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उधम सिंह, दूसरा ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, तीसरा ऑप्शन है रूप सिंह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या है। 10वें क्वेश्चन, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है रूप सिंह। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि रूप सिंह स्टेडियम भारत के किस राज्य में है। दोस्तों जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका आंसर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और क्वेश्चन है आपके सामने, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताना है आपको। दोस्तों ये थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे। इसी तरह आपको आने वाले समय में हमारे चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।